गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से, हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए, राज्यपाल थे, बाद में वो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व तो मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूँ। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है बल्कि कुछ और भी नाता है, और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूँ, और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई इस धरती पर, और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है विपसना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मेरा योगदान रहा और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। देवी और सज्जनों, बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज एक इतिहास रचा गया, इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक एक घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए। बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है, और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला, और राष्ट्रपति के रूप में भी जब भी मेरा बिहार आना हुआ है तब भी मेरे प्रति वैसे ही प्रेम और सम्मान का एहसास मुझे होता है। इसके लिए मैं बिहार के सभी निवासियों, जनसेवकों, अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देवी और सज्जनों, हम सभी देशवासियों ने हाल ही में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्यौहार मनाया। इस वर्ष हम सब संयोग से 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का यह समारोह सचमुच में लोकतंत्र का उत्सव है। इस अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम में आप सबकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति हमारे देश में विकसित स्वस्थ संसदीय परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। यह बार बार कहते हुए मुझे फख्र होता है कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। भगवान बुद्ध ने विश्व के आरंभिक गणराज्यों को प्रज्ञा तथा करुणा की शिक्षा दी थी, साथ ही उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने यह स्पष्ट किया था
कि बौद्ध संघों के अनेक नियम आज की संसदीय प्रणाली में भी उसी रूप में विद्यमान हैं। आज महाबोधि के पौधे का इस परिसर में प्रत्यारोपण करके भी मैं स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक धाराओं से सिंचित बिहार की धरती का मुझ पर विशेष आशीर्वाद रहा है। यहाँ राज्यपाल के रूप में जनसेवा का मुझे अवसर मिला और उसी कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होकर उस पद की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर भी प्राप्त हुआ। यह प्रतिभावान लोगों की धरती है। पूरे देश को गौरवपूर्ण बनाने वाली एक महान परंपरा की स्थापना इसी धरती पर नालंदा, विक्रमशिला व औदंतपुरी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, चाणक्य यानी कौटिल्य जैसे नीति निर्माता तथा अन्य महान विभूतियों द्वारा की गई थी। आप सब उस समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं और अब उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर और बिहार के सभी निवासियों की है।